हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। उसके लिए हमें चाहिए ये गाजर है, यहाँ पर 1 किलो गाजर ली थी और इसको कद्दूकस कर ली हूँ। चीनी 250 ग्राम, खोआ है ये 1/2 kg है, मैं इसे घर पर ही तैयार की हूँ। काजू और किशमिश और घी। कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी में काजू और किशमिश जो है इसे रोस्ट कर लूँगी, बस थोड़ा सा ही ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। काजू किशमिश अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए निकाल चुकी हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छोटा छोटा टुकड़ा बना लूँगी। उसी कढ़ाई में जिसमें काजू और ये किशमिश को रोस्ट की थी उसी में 2 चम्मच घी और डाली हूँ। अब इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ गाजर। और गाजर को भूनेंगे, इसे तब तक भूनेंगे ताकि ये गाजर गल भी जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। और इसे ढक देंगे। ढकेंगे इसलिए क्योंकि ये पक भी जाएगा अच्छी तरह से गाजर। ढक करके पकाते हुए मुझे 8 से 9 मिनट हो गया है। गाजर बिल्कुल पक चुका है, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, पक भी चुका है। तब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। ड्राई फ्रूट, चीनी और ड्राई फ्रूट को डाल करके इसे मिक्स करेंगे और साथ में ही मैं डाल रही हूँ खोया। ये 1/2 kg से ज़्यादा ही है। इसको इसी तरह से ढक देंगे ताकि जो टाइट हो गया हो और ठीक हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है खोआ। फ्रेंड्स, ये होममेड खोया है, अगर आप चाहें तो इसका वीडियो मैं डाल दूंगी। अगर खोआ बना करके या मार्केट में भी इजली ये खोआ मिल जाता है, अगर वैसे गाजर का हलवा बनाते हैं तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अगर दूध के साथ अगर हलवा बनाते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है। हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना परफेक्ट हलवा बना हुआ है। मुझे हलवा बनाने में कम से कम 12 मिनट लगा है। मैं गैस को कर दे रही हूँ ऑफ। अगर आपको गाजर के हलवा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।